हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जैक्टली अगर सही मायने में कहा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी कोई टॉपिक तो है नहीं, एक सिंपल, अगर आप लोग रियल लाइफ में भी आप लोग ये वर्ड यूज़ करते हो कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। अगर कोई चीज़ आपके लिए टफ है तो आप कहते हो ये मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है ना, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी वहीं से डेराइव हुआ है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग काफ़ी दिनों से सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है हम लोग वो पढ़ने वाले थे। हर एक जैसे मीन्स टू से अभी तक क्या आप लोग सोचते थे कि भाई मेरी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है ना। जैसे सपोज दैट अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में मीन्स अगर आप लोग समय खाना भी खुद ही बना रहे हो, घर के सारे खुद ही काम भी कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक कॉम्प्लेक्स लाइफ हो गई। तो कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स डिफरेंट इन डिफरेंट सिनेरियोस। बट अभी हम लोग जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग के लिए कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एल्गोरिथम्स डिस्कस किया है। एल्गोरिथम तो एग्जैक्टली एल्गोरिथम क्या था अगर आप लोगों को याद हो तो एल्गोरिथम था स्टेप बाई स्टेप सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली अगर मैं ध्यान दूँ कि हम लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक मेरे लिए तो एक टास्क ये भी एक प्रॉब्लम है कि चाय बनाना है ना। तो कभी कभी क्या होता है, चाय बनाना हो सकता है मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करता हूँ तो रिजल्ट मेरे को क्या मिलने वाला है, चाय बनी बनाई मिलने वाली है। आप लोग चाय के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने वाले हो तो आपको भी एट द एंड मिलेगी चाय, लेकिन अच्छी चाय भी हो सकती है, बुरी चाय भी हो सकती है। सपोज दैट मैंने आपको कोई टास्क दिया, मान लो यू ऑल आर लाइक फाइव पीपल, मैंने पाँच लोगों को एक टास्क दिया, सेम टास्क दिया, तो सभी लोगों के ब्रेन्स डिफरेंट हैं। तो उस टास्क का मतलब ये कि कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, मान लो कि मैंने यहाँ से कहा कि भाई आपको दिल्ली टू लखनऊ जाना है ना, तो दिल्ली टू लखनऊ जाने का भाई स्ट्रेट रूट भी होगा जो सभी लोग फॉलो करते हैं, बेस्ट रूट जिसे बोलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, किन्हीं का मन नहीं माना कि सर पहले मैं तो राजस्थान जाऊँगा, राजस्थान से हरियाणा जाऊँगा, हरियाणा से फिर मैं यूपी में जाऊँगा, कुछ लोग ये भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ और ज़्यादा दिमाग जिन्होंने लगाया, नहीं पहले तो मैं साउथ इंडिया जाऊँगा, साउथ से घूम के आऊँगा, उसके बाद मैं लखनऊ जाऊँगा। तो प्रॉब्लम एक ही थी, जाना मेरे को दिल्ली से लखनऊ था, तो एक बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, एक बंदा दूसरे रूट को फॉलो कर रहा है, एक बंदा उल्टा रूट को प्रॉब्लम कर रहा है। मतलब रिजल्ट एक ही है कि मेरे को दिल्ली से लखनऊ जाना है, लेकिन देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज फॉर वन प्रॉब्लम, देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशंस। एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन मार्क ये है, अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क ये है कि एग्जैक्टली विच वन इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, तो ये कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। अच्छा एक बात, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा चाय बनाना, तो चाय बनाने के लिए मैं कुछ स्टेप्स लिखूंगा, आप कुछ स्टेप्स लिखोगे, कोई तीसरा कोई स्टेप्स लिखेगा, तो सबने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिखे, लेकिन मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि किसके स्टेप बेटर हैं, किसकी एल्गोरिथम बेस्ट है, किसने अच्छा काम किया, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो ये चीज़ ध्यान से सुनो, कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली देखो एग्जैक्टली होते तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन मेनली हम लोग हमेशा दो पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं। पहला जो पैरामीटर होता है कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, वो होता है कि सपोज दैट कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ऑब्वियसली बात है जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो जिस भी एल्गोरिथम का, जो भी आप लोग एल्गोरिथम्स लिखोगे, मतलब मींस ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपको प्रॉब्लम मिली तुरंत उसका कोड कर दोगे, नहीं ना, सबसे पहले तो आप उसका एल्गो लिखोगे। एल्गो मींस स्टेप बाय स्टेप कि पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, सब लोग कुछ ना कुछ आइडिया दोगे। तो उस पर्टिकुलर एल्गो को सॉल्व करने में या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ ना कुछ टाइम लगने वाला है। तो खास बात ये, मैं कॉम्प्लेक्सिटी मींस किस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है या कौन सा प्रोग्राम बेस्ट है, दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन टाइम एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन स्पेस। वॉट इट मीन्स एग्जैक्टली, ध्यान से दो यार, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। मान लो कि मैंने एक काम किया 15 मिनट में, आपने काम किया 20 मिनट में, थर्ड पर्सन ने काम किया 25 मिनट में, फोर्थ पर्सन ने काम किया 35 मिनट में, और रिजल्ट सेम आ रहा है। रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू द टाइम विच वन इज बेस्ट, आई एम द बेस्ट बिकॉज आई हैव डन द टास्क इन जस्ट 15 मिनट्स। ओके, सेकेंड थिंग इज स्पेस।
एग्जैक्टली होता क्या, आप लोग इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है कहीं ना कहीं। तो हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि मेमोरी यूटिलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ आप लोग सेकेंड ईयर में ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ोगे, बट अभी के लिए इतना समझो कि एग्जैक्टली मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेस मेमोरी से हम ज़्यादा काम कर पाए, कुछ हमें ऐसा करना है। तो स्पेस मीन्स जैसे सपोज दैट मेरे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लो कि सम ऑफ टू नंबर्स का आपको प्रोग्राम लिखना है, तो टू नंबर्स के लिए आप लोग 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए के लिए 2 बाइट, बी के लिए 2 बाइट, 3 के लिए 2 बाइट, तो टोटल हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमरीज एलोकेटेड फॉर द सम ऑफ टू नंबर्स प्रोग्राम, 6 बाइट्स ऑफ मेमरीज एलोकेटेड इन टू योर कंप्यूटर फॉर द कंप्यूटेशन पर्पस, है ना, 6 बाइट। तो एग्जैक्टली ये है कि जो भी प्रॉब्लम का, ध्यान से सुनना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जिस भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो मैंने एक सॉल्यूशन डिज़ाइन किया, सेकंड पर्सन ने एक सॉल्यूशन डिज़ाइन किया, थर्ड पर्सन ने डिज़ाइन किया, तो टाइम देखने के बाद हम लोग सेकंड पैरामीटर भी कंसीडर करते हैं कि किस बंदे के प्रोग्राम में लेस मेमोरी यूज़ हो रही है, तो वो हो गया स्पेस। तो ऑलवेज रिमेंबर कॉम्प्लेक्सिटी आपकी 2 टाइप की होती है, फर्स्ट वन इज़ योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द सेकेंड वन इज़ योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट वन इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकेंड वन इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स टू से वॉट मीन्स, अगर मैंने सॉल्यूशन दिया, आपने सॉल्यूशन दिया, आपके फ्रेंड ने सॉल्यूशन दिया, 3 सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन में सबसे कम टाइम लग रहा होगा वो बेस्ट होगा, और जिस सॉल्यूशन में स्पेस मीन्स नंबर ऑफ साइज ऑफ मेमोरी कम लग रही होगी वो बेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं मैंने इसलिए प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, एग्जैक्टली बेसिक आइडिया दिया। वैसे तो आप लोग थर्ड ईयर में एल्गोरिदम का पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, जस्ट अ ग्लिम्स मैंने आपको एल्गो के बारे में बताया था, उतना ही आपके सिलेबस में है और उतना ही अभी आप लोगों के लिए नीड भी है कि बेसिक एल्गो कैसे लिखना है। तो कौन सी एल्गो बेस्ट होगी, तो ऑलवेज रिमेंबर हर एक एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आपको एज अ बींग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट फ्यूचर में आना चाहिए, कि अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट नहीं करना, बट एग्जैक्टली आपकी सिलेबस में इतना पार्ट है कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्सिटी। तो थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्सिटी होती कैसी है, दिखती कैसे, उसके लिए नोटेशंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक टास्क बता रहा हूँ, मान लो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम, ठीक है, इस प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन मैंने दिया जिसका नाम था ए, और एक सॉल्यूशन आपने दिया जिसका नाम था बी, ठीक है। तो ए मेरी एल्गो है, बी आपकी एल्गो है, तो सपोज दैट मेरी खास बात है, अब भाई क्वेश्चन मार्क ये कि इन दोनों में से मेरे को ये डिसाइड करना है कि मेरी एल्गो बेस्ट है आपकी एल्गो बेस्ट है। सपोज दैट कि इसको टाइम लग रहा है एन स्क्वायर और इसको टाइम लग रहा है एन क्यूब। तो एक बात बताओ, साफ देखते ही पता चल रहा है कि एन स्क्वायर इज लेस देन एन क्यूब, मीन्स हु इज बेस्ट, एन स्क्वायर इज बेस्ट, मीन्स जो ए एल्गो है वो बेस्ट है। प्रॉब्लम क्या थी, जो भी वॉट एवर द प्रॉब्लम इज, उस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन थे ए और बी, ए को लगा एन स्क्वायर टाइम, बी को लगा एन क्यूब टाइम, तो हु इज बेस्ट, एन स्क्वायर इज बेस्ट। तो जो मेरा मेन टारगेट है इस सब्जेक्ट, इस लेक्चर में आपको पढ़ाने का, वो है कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो नोटेशंस यूज होते हैं एग्जैक्टली वो क्या होते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो अभी मैं 2 एल्गो को कंसीडर करके चल रहा हूँ कि मुझे 2 एल्गो में डिसाइड करना है कि विच वन इज़ बेटर। तो सपोज दैट कि मान लो कि ऐसा लगता है कि ए और बी में दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ टाइम अगर लग रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अगर सेम अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, तो इनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैं डिटेल में बताऊँगा, डोंट वरी। अभी देखो ए इक्वल्स टू थीटा ऑफ वी, अब वॉट इज थीटा, आप कुछ लोग सोच रहे हैं सर आपने लिख दिया थीटा लेकिन बता नहीं रहे, डोंट वरी अभी बताऊंगा मैं थीटा क्या होता है एग्जैक्टली। तो थीटा इज जस्ट अ नोटेशन जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ए एंड बी बोथ आर इक्वल। एग्जैक्टली मैं थीटा की डेफिनेशन अभी थोड़ा सा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सपोज दैट बी इज वर्स्ट, वॉट इट मीन्स बी इज वर्स्ट, मीन्स बी इज वर्स्ट का मतलब बी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है या बी में जो टाइम लग रहा है वो ए से ज़्यादा लग रहा है, तो बी इज बेस्ट, वर्स्ट, वर्स्ट। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट कर दें, ए ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, ओ आपको दिख रहा है, इसको बिग ओ बोलते हैं, बिग ओ ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि बी ज़्यादा टाइम ले रहा है ए से,
थीटा का मतलब है ए और बी दोनों एल्गो सेम टाइम ले रही हैं, बिग ओ ऑफ बी का मतलब है बी ज़्यादा टाइम ले रही है। सपोज दैट बी इज बेस्ट, मतलब बी इज बेस्ट का मतलब अमॉन्ग ए एंड बी, बी कम टाइम ले रही है, तो इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा ऑफ बी। देखो ध्यान से सुनो, वो इफ बोथ एल्गो आर इक्वल इन टाइम देन वी हैव टू रिप्रेजेंट विद द थीटा ए इक्वल्स टू थीटा ऑफ बी। अगर बी बी जो है वर्स्ट है, मीन्स बी जो है ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो बिग ओ ऑफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बी आपका कम टाइम लग रहा है। तो ये थीटा क्या है, बिगो क्या है, एग्जैक्टली आपका ओमेगा क्या है, आई विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर। बट अभी के लिए इतना समझो कि थीटा भी कुछ होता है, बिगो भी कुछ होता है आपका, और एग्जैक्टली ओमेगा भी कुछ होता है। सपोज दैट मैं हमेशा ध्यान दो, एक और बेसिक से आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ। सपोज दैट कि आपकी ए प्रॉब्लम है और ये आपकी बी प्रॉब्लम है। ए को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है एन, और बी को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है एन स्क्वायर। और मान लो कि जो स्पेस है, कि हम दूसरे दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, स्पेस लग रहा है इसको एन टू द पावर एन फाइव, एन टू द पावर फाइव एन एन, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्यों कन्फ्यूज़ हो जाओगे, हमेशा ध्यान दो कि भाई टाइम के अगर मामले में देखेंगे तो ए इज़ बेटर, भाई ए को कम टाइम लग रहा है। अगर स्पेस के मामले में देखेंगे तो बी इज़ बेटर। तो ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, वी हैव टू गिव द प्रेफरेंस टू द टाइम। अगर स्पेस और टाइम बोथ आर लाइक गिवन, देन हमेशा ध्यान देना हम लोग प्रेफरेंस किसे देते हैं, टाइम को। तो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस वी ऑल लाइक वी विल कंसिडर वॉट, वी विल गिव द प्रेफरेंस टू द टाइम, देन हु इज़ बेटर, ए इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम। स्पेस और टाइम में ये हम लोग देने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना, जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मान लो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टाइम ए की, जो टाइम कॉम टी मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑलवेज रिमेंबर वो होती है सी ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए, मीन्स टू से वॉट। ध्यान से सुनना, सी का मतलब है मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ कंपाइल टाइम पे कितना लग रहा है, मतलब अगर मान लो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, जैसे यार अगर आप लोग अपना प्रोग्राम को सॉल्व करते हो या फिर प्रोग्राम को जब भी आप लोग एग्जीक्यूट करते हो, तो एग्जीक्यूट करने से पहले आप लोग क्या करते हो, कंपाइल करते हो, तो कंपाइलेशन में कितना टाइम लग रहा है प्लस रनिंग टाइम आप लोगों का कितना लग रहा है, ये दो चीज़ें हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं। ऑलवेज मैं अभी आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट, आप लोगों को थर्ड सेम में इन डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और पूरा एक सब्जेक्ट है डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, वहाँ भी पढ़ाया जाएगा। अभी मैं जस्ट आपको यहाँ पर ग्लिम्स इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो अभी आप लोग आगे देखते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि थीटा बिग ओ ओमेगा, ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको बोलते हैं एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म्स में, ये नोटेशन से एक तरीके से जो दो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो इन नोटेशंस को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ रहे हैं। एग्जाम में आप लोगों को बेसिक आइडिया ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस ही पूछा जाता है कि व्हाट आर द एसिम्प्टोटिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम और ऑफ प्रोग्राम, है ना। तो हम लोग एक वन बाय वन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, जो बेसिक थ्री आपकी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला हूँ, थीटा बिगो और ओमेगा डिस्कस करने वाला। बस इसके अलावा स्मॉल ओ भी होता है, स्मॉल ओमेगा भी होता है, वो हम लोग सेकंड डे और थर्ड डे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मेरा मेन टारगेट है कि मैं थीटा बिगो और ओमेगा को डिफाइन करूँ। सो फर्स्ट वन इज़ योर, अच्छा पहले तो मैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो बता रहा हूँ एक बार ही आप लोगों को नाम लिख देता हूँ। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे दैट वन इज़ योर बिग ओ, अगर इसको वर्ड वाइज देखा जाए तो बिग ओ इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। एंड ऑलवेज एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, बिहेव्स लाइक, हमेशा ध्यान देना जो बिग ओ वर्क करता है समथिंग लाइक दैट, वॉट इट इज लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। सेकेंड वन इज योर है आपका बिग ओमेगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, और ये बिहेव लाइक ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एंड थर्ड वन इज योर थीटा, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और सेम बिहेव लाइक इक्वल्स टू। इसके अलावा फोर्थ वन इज योर स्मॉल ओ, जैसे ये बिग ओ इसके लिए स्मॉल ओ यूज़ करता है, ये यूज़ होता है लेसर देन। फिफ्थ वन इज़ योर स्मॉल ओमेगा,
अच्छा एक बात बताओ, स्मॉल ओमेगा को कैसे रिप्रेजेंट करता है? हाँ जी, कुछ इस तरीके से। आप लोगों ने बचपन में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो खास बात ये, यहाँ पर ये 5 नोटेशंस हैं। बेसिकली मैं 3 नोटेशंस आपके इस लेक्चर में कवर अप कर रहा हूँ। तो वन बाई वन हम लोग सारे नोटेशंस देखने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज बिग ओ नोटेशंस, बिग ओ नोटेशंस। है एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ध्यान से बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरीके से आपके लिए न्यू थिंग है ये। तो नई चीज़ जब भी हम लोग सोचते हैं तो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस रखो। कहीं ना कहीं देखो यार, आपकी रियल लाइफ में ये कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड और ये जो नोटेशन सब बहुत बार आने वाले, बट अभी आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ना। तो ध्यान से सुनो, बजाय मैं एल्गोरिदम के मैथमेटिकल फंक्शंस को कंसिडर करके चल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एन, आप लोग मैथ्स में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और कुछ इस तरीके से लिखा है मैंने बिग ओ जी ऑफ एन। दो फंक्शन है आपके, एक है आपका एफ ऑफ एन और दूसरा फंक्शन है आपका जी ऑफ एन, और इसके बीच में मैंने आपका बिग ओ लगा रखा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कभी कभी यहाँ पर जो है एक और इक्वल्स टू को जगह एरिया ऑपरेशन क्या है इसका, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ये भी कहीं ना कहीं आपको बुक्स में मिलेगा, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। अब ध्यान से एक एक वन बाई वन मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। देखो जैसे अभी मैंने ए और बी कंसिडर किया था ना, फंक्शन एन और जी ऑफ एन की जगह, तो आप लोग ऐसे समझ लो ए और बी एक एल्गोरिथम आपकी एफ ऑफ एन है, एक जी ऑफ एन दूसरी एल्गोरिथम है, ये मैथमेटिकली फंक्शन भी आप कंसिडर करते हैं। तो मैथमेटिकली टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली मैंने टेक्निक्स यूज की हैं। तो ध्यान सुनो, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओ जी ऑफ एन। तो इसका मतलब क्या है, इफ एंड ऑनली इफ। एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छा खास बात है, ये जो आपका बिगो है ये कैसे वर्क करता है, लेस देन इक्वल्स टू, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, डेफिनेशन समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इफ आई विल टेक द एग्जांपल्स, ध्यान से सुनो। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, बिगो का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू, और ध्यान से सुनना इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है ओ हटा के लेस देन इक्वल्स टू सी डॉट जी ऑफ एन फॉर सम सी इज ग्रेटर देन जीरो आफ्टर एन इज ग्रेटर इक्वल्स टू एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब ध्यान से देखने की ज़रूरत है एग्जैक्टली क्या है, ध्यान से सुनो, अगर कोई इसकी डेफिनेशन पूछे तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिग ओ एफ, मीन्स एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन फंक्शन में हु इज वर्स्ट, जी ऑफ एन इज वर्स्ट। मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब है कि जी ऑफ एन को ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो सी एक आपका कांस्टेंट है, सी आपका क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपकी किससे ग्रेटर होगी, जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर सम, अब ये एन क्या है, एन नॉट क्या है, ये सारी चीज़ मैं अभी आपको जस्ट अभी स्टार्ट करके आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। ध्यान से देखो, आप लोगों के सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं एक एग्जांपल से इस पूरे मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन को समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखो, एग्जांपल सपोज दैट जो फंक्शन एन है, देखो ध्यान से सुनो, रियल टाइम में एफ ऑफ एन ये सारी चीज़ें पता है, एल्गोरिदम्स होती हैं, सारी एल्गो होती हैं, लेकिन हम लोगों को समझना है कि हम लोग कैसे कंपैरिजन वगैरह करेंगे कि किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस में कम टाइम लग रहा है। तो मान लो एफ ऑफ एन जो फंक्शन है वो है आपका एन, और जी ऑफ एन जो फंक्शन गिवन है वो है आपका फाइव ऑफ एन, ठीक है, या फाइव एन मान लो, ठीक है। तो मुझे इसमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि जी ऑफ एन इज वर्स्ट, मतलब जी एन जो है वो ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर इसके बीच में हमें रिलेशन प्रूफ करना है एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है, ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये वर्स्ट है, जी ऑफ एन इज वर्स्ट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एफ ऑफ एन इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया लेसर देन इक्वल्स टू सी कॉन्स्टेंट जी ऑफ एन। तो ध्यान से सुनना, मुझे एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है, सी की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसके लिए ये रिलेशन आपका ट्रू हो। तो पहली चीज़ हमेशा ध्यान दो, यहाँ क्या है एन है, यहाँ क्या है जी ऑफ एन है, तो फंक्शन एन की पहले वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, क्या गिवन है, एन गिवन है, लेस देन सी डॉट जी एन की क्या गिवन है, फाइव एन गिवन है, इतना काम कर लिया आपने।
अब रिलेशन ये प्रूव करना है, सी की एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो ग्रेटर होगी जीरो से, और वो कांस्टेंट होनी चाहिए जिसके लिए आपका रिलेशन ट्रू हो। तो सी की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि जिससे आपका ये रिलेशन ट्रू हो? अगर आप लोग साफ ध्यान से देख पा रहे हो तो रूल के अकॉर्डिंग देखो 5n और यहाँ n है, तो 5n ऑब्वियस ही बात है कि ग्रेटर तो है ही, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू तो ग्रेटर तो है ही, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी रिलेशन ट्रू हो रहा है। तो मैं सी की वैल्यू अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या रखने की ज़रूरत है, 1 रखने की ज़रूरत है, ये रिलेशन ऑलरेडी ट्रू है। ठीक है, एक दूसरी चीज़ आप लोगों को जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमेशा एक और चीज़ आप लोगों को फाइंड आउट करनी, दैट वन एन नॉट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान से सुनना, एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। सो वॉट इज एन नॉट, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। मतलब कि मैं एन की मिनिमम वैल्यू क्या पुट करूं जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू। तो बताओ जरा, एन की वैल्यू मैं क्या पुट करूं जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू हो, ये चीज़ आप लोगों को सोचनी है। एक सेकेंड आप लोग ध्यान से सोचने में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, एग्जैक्टली मैं इस चीज़ को जो है सी की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, 5n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। एक बात बताओ, n की वैल्यू, ये रिलेशन कब ट्रू होगा? n की वैल्यू 0 से कुछ भी बिगर ले लो, कुछ भी बिगर ले लो, तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। जैसे मान लो n की वैल्यू 1 ले लूँ, 1 ले लूँ तब भी ये कंडीशन ट्रू, n की वैल्यू 2 ले लूँ तब भी कंडीशन ट्रू, 3 ले लूँ तब भी कंडीशन ट्रू। तो जो n नॉट की वैल्यू है वो आपकी क्या है? 0। क्या है? 0। क्या है? 0। तो दिस इज़ द केस, आपको हमेशा इस तरीके का अगर एक्सप्रेशन गिवन रहेगा तो उसमें आपको सी कांस्टेंट और एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि एन नॉट मतलब एन आपका जो इनपुट है वो उसकी वैल्यू पर्टिकुलरली कितने समय मिनिमम ग्रेटर लूँ कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ध्यान दो, दो एल्गोरिथम के बीच में या दो फंक्शन के बीच में अगर एक फंक्शन वर्स्ट है तो वीगो से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आपको डेफिनेशन एग्जैक्टली याद करनी होगी, ये बाय हार्ट करनी होगी। दूसरा हम लोग रिलेशन देखते हैं। अच्छा चलो एक और मैं एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सेकंड एग्जांपल मैं एक और ले रहा हूँ। मान लो कि आपके एफ ऑफ एन की वैल्यू है, ध्यान से देखना, 2n+10, और जी ऑफ एन की वैल्यू है आपकी क्या? देखो यार, जो भी मैं आप लोगों को एग्जांपल करा रहा हूँ ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए करा रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम में जस्ट इतना आने वाला है कि एक्सप्लेन द एसिम्प्टोटिक नोटेशन, नथिंग एल्स। बट यू हैव टू लाइक एट द लाइक फर्स्ट ईयर लेवल अगर आप लोग ये चीज़ें भी समझ जाते हो तो इट्स गुड फॉर यू। तो ध्यान से सुना, मुझे रिलेशन क्या प्रूफ करना है? एफ ऑफ एन बिग ओ जी ऑफ एन, जैसे ही ऐसा लिखते हो तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होगा? एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन सी, कांस्टेंट हो गया, जी ऑफ एन ये होगा, तो एफ ऑफ एन की वैल्यू पुट करो 2n+10 ग्रेटर देन सी डॉट जी ऑफ एन की वैल्यू क्या है? एन। तो सी की वैल्यू में क्या पुट करूँ? बताओ ज़रा सी की वैल्यू में क्या पुट करूँ? हाँ जी देखो, रूल के अकॉर्डिंग अब आराम से ध्यान से देखना, ये रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमेशा वैसे 10 जो कांस्टेंट है, हम जब भी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं हमेशा इसको इग्नोर मार के चलते हैं। अगर 2n और n को जो है मैं कंपैरिजन करूँ तो 2n इज ग्रेटर, और हमें प्रूफ क्या करना है? n को बिगर दिखाना है। तो c की ऐसे ही मैं क्या वैल्यू रखूँ जिससे ये बिगर प्रूफ हो जाए? और हमेशा ध्यान दें, c की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, प्लस मिनिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम मैं सी की वैल्यू अगर क्या पुट करूं, सोचो। अगर सी की वैल्यू, ध्यान से देखना, पहली चीज़ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो सी की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूं, सी की वैल्यू अगर 3 ले लूं, तो ध्यान से देखना 2n+10, अगर मैं सी की वैल्यू 3n रखता हूं तो 2n और 3n में कॉम्बिनेशन होगा, तो 3n बिगर आ गया कि नहीं आ गया? पहला काम पूरा हो गया। दूसरा, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि n की किस वैल्यू के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो हमारा क्वेश्चन मार्क है n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। तो हमें n की जो n नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन मार्क है, तो n नॉट की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। अच्छा इस रिलेशन को फर्दर सॉल्व करो तो 2n एग्जैक्टली इधर जाएगा तो रह जाएगा n। तो अगर ये रिलेशन नहीं बन रहा है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो ध्यान से सुनो, जब ये फर्दर सॉल्व करोगे तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो ये 10 है ना, ये आपका n नॉट है। ये चीज़ ध्यान रखना है, n अगर आपका 10 से ग्रेटर इक्वल्स टू होगा तो ये रिलेशन हमेशा ऑलवेज ट्रू होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप लोग दो एग्जांपल के थ्रू समझ गए हो। एक में तीसरा आप जो सेकेंड है आपका, सेकेंड नोटेशन कौन सा आपका? सेकेंड नोटेशन है आपका बिग ओमेगा। तो बिग ओमेगा को आप लोग कुछ इस तरीके से रिजल्ट
और कर रहे हो बिग ओमेगा। इतनी बात समझ में आ रही, बिग ओमेगा। हाँ जी, तो ध्यान से सुनो, बिग ओमेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, तो यू नो वेरी वेल। तो सपोज दैट यू हैव, इफ यू हैव टू फंक्शंस, बिग ओगेन सॉरी ओमेगा जी ऑफ एन, तो इसको कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इफ एंड ओनली इफ। वॉट, इसको कैसे ग्रेटर या लेसर, याद करो जरा कुछ, इसको कैसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एन, ये कंडीशन जब ही ट्रू होगी जब एफ ऑफ एन जस्ट उसका उल्टे वाले का अपोजिट, सी डॉट जी ऑफ एन, ये प्रूफ करना है आपको। हाँ जी, और इसके साथ एग्जैक्टली क्या आपको और कंसिडर करना है, फॉर सम वही सेम, सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आफ्टर, एक और चीज ध्यान रखना, एन जो एन की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वॉट, एन नॉट मस्ट बी जीरो, जो एन नॉट की वैल्यू वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, और ये रिलेशन एग्जैक्टली हमें एन की एन नॉट की वैल्यू क्वेश्चन मार्क और ये वाली दो चीज़ें क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वॉट, विग ओमेगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल, मैंने दो फंक्शन लिए, एफ ऑफ एन मैंने लिया 5n+10 और जी ऑफ एन लिया मैंने आपका 2n। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मुझे क्या रिलेशन प्रूफ करना है, जी ऑफ एन। हाँ जी, तो इसकी डेफिनेशन तुरंत के तुरंत ही लिख लो, आप लोगों को याद होगी ये चीज़, तो सी डॉट जी ऑफ एन, तो एग्जैक्टली एफ ऑफ एन की वैल्यू रखो 5n+10, अगेन सी डॉट जी ऑफ एन की वैल्यू रखो 2n। तो हम लोग हमेशा किसी जो भी कांस्टेंट होता है इसको इग्नोर करते हैं, तो 5n और 2n में अगर कंसीडर करूँ तो इससे मैं करंट में 5n और 2n में कंपैरिजन करूँ तो 5n 1 है, तो c की वैल्यू में क्या रख दूँ, कुछ भी, सबसे c की वैल्यू क्या रख दूँ एग्जैक्टली, मिनिमम अगर c की वैल्यू में 1 भी रख देता हूँ तो ये रिलेशन आपका ट्रू होने वाला है, 5n+10 अगर c की वैल्यू एग्जैक्टली 1.2n भी करूँ तो दिस रिलेशन इज ट्रू। दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली, एन इज ग्रेटर देन एन नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, तो जो भी एन नॉट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो एन इज ग्रेटर देन वॉट कि, और जो एन नॉट है वो मस्ट भी जीरो से बड़ा, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अगर इसी रिलेशन को आपको फर्दर सॉल्व करो तो क्या आएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत है, ये वन डॉट वो वाला मल्टीप्लीकेशन डेसिमल नहीं है, ये ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, ओके फाइन, तो अगर इसी रिलेशन का आप फर्दर सॉल्व करो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 3n 2n इधर गया तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी एग्जैक्टली, लेस देन 10/3, तो 10/3 इज नथिंग इज योर n, ये चीज़ ध्यान रखना। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली हो जाएगा आपका n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3.3, सो दिस इज योर n नॉट वैल्यू, एज सिंपल एज, ओके। एंड जो आपका तीसरा नोटेशन है, दैट वन इज योर थीटा नोटेशन, एंड थर्ड वन इज योर थीटा नोटेशन, थीटा नोटेशन। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि थीटा का मतलब होता है ए एंड बी, या फिर एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो थीटा नोटेशन की जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होने वाली है, एफ ऑफ एन अगर लिखा हो थीटा ऑफ जी ऑफ एन, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, इफ एंड ओनली इफ, तो ध्यान से सुनो, एक चीज़ साफ बता रहा हूँ, थीटा नोटेशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ बिग ओ एफ एन एंड ओमेगा ऑफ एन, दोनों का ही मिक्सचर है। तो एक बात बताओ, अगर आप लोग ध्यान से सुनो, मान लो मिक्सचर कैसे, जैसे मान लो ये फंक्शन एफ ऑफ एन, अगर मैं ये डेफिनेशन लिखता हूँ, मान लो सी डॉट जी ऑफ एन, इतनी डेफिनेशन किसकी है अगर आप लोगों को याद हो, ये बिग ओ एफ की है, और अगर एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन जी ऑफ एन, ये वाली डेफिनेशन किसकी है, सोचने की ज़रूरत है, ये वाली डेफिनेशन किसकी है, ओमेगा ऑफ एन, एम आई राइट। तो ध्यान से सुन लो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जब ऐसी सिचुएशन हो तो कुछ दो कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ने वाली, एक सी वन कॉन्स्टेंट सी वन डॉट जी एन और ये सी टू डॉट जी एन, तो एग्जैक्टली ये आपका रिलेशन है, इसको थोड़ा सा स्पेस ही कंसिडर मतलब करना, आप इतना समझ लो, एफ ऑफ एन एक तरीके से, अच्छा ध्यान से देखो, मैं इसको पूरा डिटेल से लिख देता हूँ, फॉर सम, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, फॉर सम सी इज ग्रेटर देन जीरो, वो तो आपको समझ में आ रहा है, आफ्टर एन इज ग्रेटर इक्वल्स टू एन नॉट, ये आपको बहुत अच्छे से आता है, तो ऑलवेज रिमेंबर, ये अगर आपको कंडीशन मतलब थीटा की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो कंडीशन वन आपको भी सेटिस्फाई करनी रहेगी, कंडीशन वन की मतलब एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वॉट, सी वन डॉट जी ऑफ एन,
तो ये क्या है, आपका ओमेगा वाला केस है, मतलब ये पीछे वाला केस, और कंडीशन टू। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हो अगर ध्यान दो, एफ ऑफ एन, और अगर आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, जी ऑफ एन, यही तो डेफिनेशन थी अगर आपको। बस मैंने कांस्टेंट, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ओमेगा बिग हो तो इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू सी वन सी टू कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। तो ये वाली डेफिनेशन सेम है, और आपको एक और चीज़ फाइंड आउट करनी रहेगी, एफ ऑफ एन लेसर देन वॉट सी टू डॉट जी ऑफ एन। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो अगर आप लोग पिछले से जो पढ़ के आ रहे हो, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन आप लोग पढ़ सकते हो ना। तो चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, सो यू हैव टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, बिग ओ एफ एंड ओमेगा ऑफ, अगर दोनों ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगी उस केस में ही आपका थीटा ऑफ, ये जो थीटा वाला केस है ये आपका सेटिस्फाई होने वाला है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिस केस से आपको ये समझ में आएगा, कि हमेशा ध्यान देना, जब अगर थीटा आपको प्रूफ करना हो तो आपको ये कंडीशन दोनों ही आपको चेक करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन लिया आपका, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, मैंने लिखा f ऑफ n इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन, एंड g ऑफ n एक फंक्शन है दूसरा 5n स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, तो हमें एग्जैक्टली इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है f ऑफ n इज थीटा ऑफ g ऑफ n। तो मैंने आप लोगों को चीज़ बताई है कि अगर आपको ये चीज़ सेटिस्फाई करनी है तो ये जो दो रिलेशन है आपको दोनों ही चेक करने हैं, अगर दोनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहेंगे देन आपकी जो ओरिजिनल सिचुएशन है वो आपकी सेटिस्फाई होने वाली है, ठीक है, अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एग्जैक्टली, तो पहले मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, फर्स्ट मैं पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ, चलो पहले बिग ओ ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, एफ ऑफ एन पहले ये चेक करते हैं, बिग ओ जी ऑफ एन, ठीक है। तो एक बात होता है, एफ ऑफ एन की क्या वैल्यू है, एन स्क्वायर प्लस एन, और बिग ओ का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, हाँ जी, ये मतलब होता है सी वन या फिर सी डॉट जी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, फाइव एन स्क्वायर, एम आई राइट? हाँ जी यही है ना, मैंने एग्जैक्टली एक लाइन मिस कर दी आपकी, आप लोग पहले इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका मतलब होता है एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वॉट सी डॉट जी ऑफ एन, एम आई राइट? देन क्या होगा, एफ ऑफ एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी, जी एन की वैल्यू पुट कर दी, सी कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक बात बताओ, हाँ जी, जो हमेशा जब भी कोई एक्सप्रेशन गिवन हो तो जब भी आप, जैसे एन स्क्वायर प्लस एन है तो हमेशा जो स्मॉलर होता है उसको हम लोग एक तरीके से इग्नोर करके ही चलते हैं, तो एन स्क्वायर और फाइव इन स्क्वायर में अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो हु इज़ ग्रेटर, ऑब्वियस सी बात है एन स्क्वायर इज ग्रेटर, तो इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत है क्या, नहीं करने की ज़रूरत है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सिंपल वन होगी, अगर वन कॉन्स्टेंट रख देंगे तब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, एन नॉट की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है, तो इस एक्सप्रेशन को आप फर्दर सॉल्व करो, तो ये तो एन स्क्वायर प्लस एन ग्रेटर देन सी की वैल्यू होगी वन डॉट फाइव एन स्क्वायर, और अगर इसको आपको आगे भी सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, ये फाइव एन स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन, देन फोर एन स्क्वायर आगे सॉल्व करो तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वॉट एन, हाँ जी, तो ये एन क्या है, एक बात बताओ, हाँ जी, तो खास बात ये है, रूल के अकॉर्डिंग अगर ये वाली सिचुएशन देखो तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, तो एन नॉट की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो रखूँ तो ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा कि नहीं होगा, मतलब अगर एन नॉट की वैल्यू ज़ीरो का मतलब ये कि एन नॉट की वैल्यू ज़ीरो हो तो ज़ीरो से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए ये रिलेशन आपका ट्रू होगा, ज़ीरो भी हो सकती है वो वैल्यू तब भी रिलेशन ट्रू, वन के लिए भी ट्रू, टू के लिए भी ट्रू, तो एन नॉट की वैल्यू कॉमन सेंस से आप लगा सकते हो क्या, ज़ीरो, तो ऑलवेज ट्रू। किस केस में, अगर एन, ये वाला एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ऑलवेज ट्रू होने वाली, ऑलवेज। ये बात सबको समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मुझे दूसरी क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी, सेकंड थिंग इज़ व्हाट, हमें सेकंड रिलेशन भी चेक करना पड़ेगा, कौन सा, बिग ओ ऑफ एन वाला, हाँ जी, तो ध्यान से देखो, एफ ऑफ एन इज बिग ओ जी ऑफ एन, तो इस रिलेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन व्हाट, हाँ जी ये लिख सकते हैं ना, जी ऑफ एन, तो इसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, एफ ऑफ एन की वैल्यू रखो जल्दी से, एन स्क्वायर प्लस एन इज ग्रेटर देन सी डॉट जी ऑफ एन, तो जी ऑफ एन की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, हाँ जी
तो सी डॉट जी एन जी ऑफ एन की वैल्यू क्या है आपकी, 5n² एम आर राइट। हाँ जी देख लो ऊपर 5n² है कि नहीं है। तो ये रिलेशन में सी की वैल्यू क्या लूँ कि आपका ये केस ट्रू हो जाए। हाँ जी सोचो भाई। तो ये कंडीशन अगर रूल के अकॉर्डिंग आप देखो तो एन स्क्वायर और 5n² में 5n² इज ग्रेटर, मैंने अभी वर्स्ट मतलब बड़ा है, साफ है। तो हमने ऊपर वाले केस में तो सी की वैल्यू 1 रख दी थी। अब हम क्या करें कि ये जो एन स्क्वायर है वो 5n² से बड़ा हो जाए। हाँ जी ऐसा क्या करें, मैथमेटिक्स तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आती ही होगी। तो अगर मैं सोचूँ कॉमन सेंस से, अगर मैं इस 5 को हटा दूँ किसी भी तरीके से तो एन स्क्वायर जो है एक तरीके से ग्रेटर तो नहीं, इक्वल टू हो जाएगा ना। तो अगर एक चीज़ ध्यान से सुनो, ये चीज़ आप लोग थोड़ी सी बहुत से प्रैक्टिस से आएगी, तो सी की वैल्यू मैं लेस देन 1 ले रहा हूँ एक तरीके से। क्या लूँगा, 9। हाँ सी इज़ लेस देन 1, वॉट सी इक्वल्स टू 1/5। सोचने की ज़रूरत है। हाँ जी अगर c की वैल्यू मान लो ये n² + n ग्रेटर देन c की वैल्यू अगर मैं 1/5 रख दूंगा और ये 5n² है तो 5 आपका कट जाएगा और ये रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस रिलेशन को अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो n² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n². सो ये रिलेशन कब कब ट्रू होगा ज़रा बताओ, हमेशा ध्यान से सुनना। ये कॉमन सेंस है, n की वैल्यू अगर आपकी जीरो से कोई भी n की वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर कोई भी ले लो, ये रिलेशन हमेशा आपका ट्रू रहेगा। तो ये वॉट क्या है, जीरो क्या आपका n नॉट। सो दिस इज़ द सिंपल मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स। सो दिस इज़ द एग्जैक्टली हमारा टारगेट इस लेक्चर को पढ़ने का बस इतना है कि हम नोटेशंस का मतलब समझें, नोटेशंस की डेफिनेशन समझें, नथिंग एल्स। ओके लास्ट में मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता रहा हूँ कि जो भी तीनों थीटा बिगो जी ऑफ वॉट एवर इट इज़, इनको आप लोगों को एक तरीके से ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ग्राफिकली आप लोग और समझो, तो आपको एग्जाम में बस डायग्राम बनाना रहेगा, नथिंग एल्स। तो फर्स्ट एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा तो आइडिया आप लोगों को हो रहा होगा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखो यार, किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। बस अभी इंट्रोडक्शन नोटेशन समझोगे, धीरे धीरे कोड समझोगे तब आपको चीज़ें आएंगी। अभी मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, मतलब क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखो मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे पहला ग्राफ, ये मैं ग्राफ एक प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, जिसका जो एक्स एक्सिस है एग्जैक्टली वो एन की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। एन मीन्स वॉट, इनपुट। इस फंक्शन के लिए एन क्या है एग्जैक्टली, इनपुट है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैं वाई एक्सिस पे शो कर रहा हूँ और जो एन की वैल्यू है आपके एक्स एक्सिस पे शो कर रहा हूँ। तो मुद्दा ये है कि एग्जैक्टली मुझे इस रिलेशन को जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि ओ बिग ओ ऑफ एन जी ऑफ एन इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ। अच्छा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है, ध्यान से देखना। एक बात बताओ, एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन में किसकी वैल्यू किसकी बड़ी होने वाली है। देखो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान लो कि मैंने कुछ वैल्यू ली कुछ एक तरीके से ये, और मान लो ध्यान से सुनो ये कुछ मैंने ये पॉइंट लिया, तो एग्जैक्टली ये सोचो कि ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली क्या है। काफ़ी चीज़ें आप लोगों को यहाँ डाउट आएगा बट स्टिल मैथमेटिक्स इज देयर नथिंग एल्स। देखो किसी एन नॉट की वैल्यू के लिए मैं हमेशा एक चीज़ चेक करता था कि जो भी आपका ये जो रिलेशन है वो एक एन, एन मतलब इनपुट, एन की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन वॉट। हाँ जी ग्रेटर देन वॉट, एन नॉट से बड़ी होनी चाहिए, यही मैं हमेशा शो करता था। एन की वैल्यू एन नॉट से, एन की क्या वैल्यू लूँ या एन नॉट की क्या वैल्यू लूँ, मतलब मैं दूसरे वर्ड्स में अगर कहूँ कि n इज़ ग्रेटर देन n नॉट, तो हम लोगों ने हर बार ये n नॉट की वैल्यू ली कि वो हमेशा रिलेशन किस n नॉट की वैल्यू के लिए वो हमेशा ट्रू होगा। मतलब n की मैं क्या वैल्यू लूँ n नॉट से बड़ी, तो n की मैं क्या वैल्यू लूँ n नॉट से बड़ी, ये n नॉट है, इससे बड़ी बड़ी n रिलेशन क्या होगा, n नॉट ये रहा। इसके बाद हमेशा क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, c डॉट g ऑफ n, मतलब ये वाला रिलेशन g ऑफ n ऑलवेज ग्रेटर देन वॉट एफ ऑफ एन, किस वैल्यू के लिए। अब ध्यान से सुनना, एन जो है वो एन नॉट से बड़ा है कि नहीं है, तो जैसे ही जैसे ग्राफ में स्टार्टिंग में ग्राफ कुछ भी रहे बट एन नॉट के बाद ये जो आपका रिलेशन है कि सी ऑफ जी ऑफ एन
ऑलवेज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ एन। ये चीज़ मैंने अभी आपको मैथमेटिकली समझाई कि नहीं समझाई, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद के एन नॉट की जो भी हम वैल्यू लेते थे उस रिलेशन के बाद, उस हमेशा जी ऑफ एन बड़ा होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रही होगी होपफुली बात। स्टार्टिंग में तो ग्राफ दिया फंक्शन की वैल्यू कुछ भी अपर लोअर कुछ भी मूव कर रही है, बट उस पर्टिकुलर एन नॉट की वैल्यू के बाद ये रिलेशन मस्ट बी ट्रू होना चाहिए। ग्राफिकली हो गया आपका किसका, पिगो का। सेकंड में आपको बता रहा हूँ, अगर मैं सेकंड ग्राफ प्लॉट करूँ वही एक्स एक्सिस पे आपका इनपुट है एन, उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर एन नॉट से बड़ी होनी चाहिए, वो मैं अभी बाद में शो करने वाला हूँ। तो इसके लिए जो ऊपर वाला ग्राफ लिया है उसका जस्ट अपोजिट मीन्स, मान लो कि मैंने कुछ इसी तरीके से शो किया और एक दूसरा लिया, मान लो कुछ इस तरीके से शो किया ये, ठीक बात है। ये क्या शो करेगा एफ ऑफ एन, मतलब ये क्या पॉइंट शो करेगा एन नॉट, इस पर्टिकुलर एन नॉट के बाद, इस एन नॉट के बाद ध्यान से सुनो, इस एन नॉट के बाद एन की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये रिलेशन ट्रू होगा कि एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन व्हाट सी डॉट जी ऑफ एन। बात समझ में आ रही है। स्टार्टिंग में तो कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी है, बट जो एन नॉट की वैल्यू मैं लूँगा, जैसे हम लोग सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे थे उस एक पर्टिकुलर के बाद एन नॉट की वैल्यू एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, उसके लिए ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा। दो चीज़ें समझ में आ गई। तीसरा ग्राफ देखते हैं, तो एक और ग्राफ देखते हैं किसके लिए, थीटा ऑफ जी ऑफ एन के लिए। इसके लिए दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होने चाहिए। दिस वन इज ये बिगो ऑफ एन की और ये किसकी है आपकी ओमेगा की। तो इसके लिए ग्राफ क्या करने वाला है, कहीं ना कहीं जो आपका फंक्शन होगा वो c1.gn और c2.gn के बीच में लाए करने वाला है। तो एग्जैक्टली अगर मैं सिचुएशन देखूँ, मान लो तो कुछ मैंने इस तरीके से ग्राफ शो कर रहा हूँ, एक ये हो गया और ये एक आपका ये हो गया कुछ, और मान लो ध्यान से देखना कुछ मैंने इस तरीके से शो किया, तो ये पॉइंट बेसिकली आपका एन नॉट, मतलब एन नॉट एन की वैल्यू इस एन नॉट से बड़ी होगी, इसके बाद हमेशा ये रिलेशन सेटिस्फाई करे। क्या रिलेशन सेटिस्फाई करे, एफ ऑफ एन मस्ट बी लाई विद इन वॉट c1.g(n) और ये किसके c2.g(n) के बीच में लाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो इस केस में क्या है, ओमेगा छोटा होता लोअर बाउंड, बिगो ऑफ क्या होता है अपर बाउंड, तो ये लाई कर रहा है। सो दिस इज द केस हाउ यूर लाइक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल थ्री नोटेशंस। वैसे तो आप लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में सीखने वाले हो ये चीज़, जो मैं अभी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। मे बी हो सकता है आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे मान लो कि आपका एक कोड लिखा हुआ है कि मेन कि x इक्वल्स टू y प्लस z, कोई आपसे पूछे कि भाई इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, या फिर प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग स्टार्टिंग में जो भी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि मेमोरी कितनी लग रही है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि हाउ मेनी टाइम्स, स्टार्टिंग में बेसिक आइडिया कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने का होता है, हाउ मेनी टाइम द स्टेटमेंट is executed while running। तो एक बात होता, अगर इस प्रोग्राम को रनिंग इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नथिंग एल्स इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा एक बात होता, इस प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा, वन टाइम। तो एग्जैक्टली इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली वो ऑर्डर ऑफ, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ, इसको पढ़ने का तरीका सीखो ऑर्डर ऑफ वन। बात समझ में आ रही है। अच्छा जैसे मान लो, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता अभी आप लोगों को क्योंकि ज़रूरत नहीं है, जैसे मान लो कि एक दूसरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, सेकंड वन छोटा सा ले लेते हैं, मान लो लिखा मैंने मेन एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक लूप लगाया फॉर आई इक्वल्स टू वन, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है, और लिखा एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस या एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड मान, ठीक है, ये कोड वन और ये आपका मेन, इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो ध्यान से देखो ये जो लाइन है ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होने वाली है, वन टाइम। ये आपका जो कोड है, अगर ध्यान से सुना जाए, ये कोड या ये वाली लाइन जो है वाई प्लस जेड वाली, ये कितने टाइम्स चलेगी, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार, या लूप कब तक चलेगा, एन तक। मीन्स ये वाली आपकी लाइन कितने बार एग्जीक्यूट हो रही है,
एन टाइम, तो दोनों का सम कर दो एन प्लस वन, एन प्लस वन टाइम, है ना। तो हमेशा जो कांस्टेंट होता है उसको इग्नोर मारते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम। तो हमेशा ध्यान दो एक चीज़, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आपका लीनियर सर्चिंग थी जिसमें आप लोग लीनियरली ढूंढते थे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, ऐसे जो बाइनरी सर्च थी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी लॉग एन बाई टू, है ना।